आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा तरीन न्यूज राउंड अप पर। जुनूबी जिला पुलवामा के चरसू अवंतीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में लश्कर तैयबा का मुकामी मिलिटेंट हलाक हुआ है। बता दें कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि चरसू अवंतीपुरा तसादुम में लश्कर तैयबा का मुकामी मिलिटेंट मारा गया और उसके कब्जे से असलाह व गोला बारूद और कबल अतराज मवाद भी बरामद किया गया। ये अपना वाला नहीं। बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में सीआरपीएफ के एक कैंप में जुमेरात की दोपहर को आग लग गई है। एक अहलकार ने बताया कि कस्बा के इकबाल मार्केट इलाके के करीब वाकया 119 बटालियन यूनिट सीआरपीएफ कैंप में आग पटक उठी। इन्होंने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को जल्दी ही काम पर तैनात कर दिया गया और आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। अहलकार ने बताया कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मालूम होती है। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आईसीडीएस के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों से हम बगैर तनख्वाहों के हैं और हुकूमत ने हमें मुलाजमत से बर्खास्त किया है। अब इन्होंने अपील की है कि हमें जल्द अज जल्द दोबारा काम मुंसलिक किया जाए। हम हेल्पर टू सुपरवाइजर हैं, मैं इनकी जनरल सेक्रेटरी हूं। हम आज इसलिए यहां पे आए हैं कि हमारी 3 साल तनख्वाह बंद है और खासकर हमारा डिसएंगेज ऑर्डर निकाला गया है। हम चाहते हैं कि ये हमें अपने अपने पोस्ट्स पे फिर से ले जाए और हमें हमारी तनख्वाह वागुजार कर दी जाए। हाई कोर्ट की जानिब से हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखना मायूस कुन है। बता दें कि साबिक रियासत जम्मू व कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने मंगल को कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को मायूस कुन करार दिया है। बता दें कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखने का फैसला इंतहाई मायूस कुन है। एक तरफ हम खवातीन को बिला इख्तियार बनाने की बात करते हैं, लेकिन हम इन्हें सीधा इंतखाब के हक से इनकार कर रहे हैं। ये सिर्फ मजहब के बारे में नहीं है बल्कि इंतखाब करने की आजादी है। मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और सरकारें जो वहाँ की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। महकमा तालीम बाणीपुरा की जानिब से समाजी जंगलात के महकमा बाणीपुरा रेंज के साथ मिलकर आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नादेहाल में एक बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम और पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। तकरीब के सदर चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल रूप ने की, जिसके साथ सोशल फॉरेस्टर रेंज ऑफिसर बाणीपुरा भी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने तमाम मुआजिजीन का खैर मकदम किया और जिंदगी के बका के लिए शजरकारी की अहमियत के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर महकमा तालीम की जानिब से पेंटिंग के मुकाबले भी मुनाकिद किए गए, जिसमें सैकड़ों तलबा व तालिबात ने शिरकत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमने बच्चों को यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया कि रिगार्डिंग प्लांटेशन के बारे में। उन्होंने यहाँ पर ये एक पेंटिंग कम्पटिशन भी रखी थी और एक डिबेट भी रखा था। उनमें हमने जो बच्चे थे उसमें प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इनको ये अवेयर करवाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था कि एक श्रीनगर के कमरवारी इलाके में पेश आए एक सड़क हादसे में जख्मी होने वाले एक 85 साल शख्स एसएमएचएस अस्पताल में आज सुबह दम तोड़ गए। बता दें कि 85 साल शख्स गुलाम अहमद साकिन श्रीनगर चंद रोज कबल श्रीनगर के इलाका कमरवारी में एक सड़क हादसे में जख्मी हुआ था। इसके बाद इसे इलाज के लिए एसएमएचएस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बता दें कि तहम वो मंगल की सुबह जख्मों की ताब नालाते हुए चल बसे। दरअसल एक पुलिस अहलकार ने बताया कि इस सिलसिले में एक केस के तहत कार्रवाई शुरू की गई। एसएमसी कमिश्नर ने कहा कि हम शहर में किसी भी गैर कानूनी गैर मजाज ढांचे की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हमने शहर में 475 ढांचों को सील कर दिया है। हमारी आवाम से अपील है कि अगर किसी को इजाज़त और दीगर मसाइल के हवाले से कुछ करना हो तो वो हमारे पोर्टल पर हमसे राबता कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स तो जो प्लिंथ लेवल पे है वहीं पे डिमोलिशन होता है। अगर कोई काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स जो 1 साल 2 साल 3 साल पहले बने हैं, कुछ कोई सब जुडिस मैटर था, किसी में कोई दूसरी प्रोसेस चल रही थी, उनको भी हम लोग ऐसे अराउंड देयर आर 100 सच स्ट्रक्चर्स जिनके खिलाफ जो है प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद उनकी सीलिंग भी की जाती है, उनके डिमोलिशन ऑर्डर्स भी निकाले जा रहे हैं कंटिन्यूसली। वी आर नॉट अलाउिंग एनी लीगल अनऑथराइज स्ट्रक्चर इन द सिटी।
इसके साथ साथ सभी से गुजारिश ये है कि जो भी आपको बनाना है, वट एवर कंस्ट्रक्शन यू वॉन्ट टू डू, आप फॉर्मली हमारे यहाँ अप्लाई कर लीजिए। इट्स एन ऑनलाइन पोर्टल पे ऑनलाइन किया जाता है, सभी NOCs ऑनलाइन है, आपको ऑफिस आने की जरूरत। महकमा मौसमियात ने मंगल को आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में जज्वी तौर पर अबर आलूद और खुशक मौसम की पेशगोई की है। बता दें कि श्रीनगर में आज सुबह कम से कम दर्ज हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में 5.2 डिग्री और गुलमर्ग में 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज के न्यूज राउंडअप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी फिर मुलाकात। अल्लाह नेगेबान।